इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर जनता को साधने के लिए बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। बीजेपी का दूसरा बड़ा मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे को साधने वाली बीजेपी के लिए दूसरा मुद्दा हिंदुत्व ही है, जिसके संकेत 1 दिसंबर 2021 को किए गए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट से मिलते हैं, जिसमें वो कहते हैं अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। डिप्टी सीएम के बयान के बाद प्रदेश में राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के एजेंडे में है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। यूपी चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट और फिर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अयोध्या को सूर्य वंश की राजधानी बताया जाना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है। ठीक पहले यूं मथुरा का जिक्र कर और अयोध्या पर चर्चा कर बीजेपी चुनावी हवा मोड़ने में थोड़ा कामयाब जरूर हुई है, क्योंकि इसके बाद से ही विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि ये लोग हार स्वीकार कर चुके हैं, जो लोग हार स्वीकार कर लेते हैं वही ऐसी बात करते हैं। ये हार स्वीकार कर लिए हैं, जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। वही बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है, लेकिन मथुरा पर विवादित ट्वीट के बाद चौतरफा घिरे केशव प्रसाद मौर्य अब विपक्ष पर ही सवाल ताग रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है, मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। अब विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, इस बार चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के सहारे वोट बटोरने में कामयाब हो पाए या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अयोध्या काशी मथुरा बीजेपी के एजेंडे में शुरू से ही शामिल रहे हैं। बीजेपी वीएचपी ने इसे लेकर देश भर में आंदोलन भी चलाया था, जिसमें अयोध्या का मुद्दा सबसे ऊपर रहा था। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने विध्वंस कर दिया था। उस समय एक नारा था, बाबरी मस्जिद झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बीजेपी के इन तीन एजेंडों में से अयोध्या का हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकल गया है और मौजूदा समय में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर विवाद है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अयोध्या की तरह मथुरा में ईदगाह स्थल पर बाल गोपाल का जलाभिषेक करने के लिए 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा कर रखी थी। हालांकि मथुरा में धारा 144 लागू होने के कारण ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का संदेश यूपी से ही निकलता है। श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की धरती होने के साथ हिंदुओं की आस्था से जुड़े अन्य तमाम प्रमुख स्थल और नदियां भी यहीं पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभालने के बाद से ही बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को बखूबी तरीके से अमली जामा भी पहनाया है और चुनाव के नजदीक फिर इसे धार देने की तैयारी चल रही है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।